हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए, आज जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो अपने बोल्टेड और रिवेटेड जॉइंट होते हैं उनके लिए जो हमारे कोडल प्रोविजन है उनके बारे में। ठीक है कि भाई, जो आपके बोल्टेड जॉइंट है, जो आपके रिवेटेड जॉइंट है, उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है, उन्हें किस तरीके से प्लेस करना चाहिए, सब चीज़ों के लिए जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड हैं उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, जो हमें क्या करनी पड़ती हैं किसी भी जॉइंट के डिज़ाइन के लिए फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है ना, तो उन गाइडलाइंस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए आप लोग सबसे पहले, आईएस स्पेसिफिकेशन, आईएस कोडल प्रोविजन फॉर रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन, दोनों के लिए सेम होता है, रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है ना, तो कुछ दो चार टर्म भी हैं आपके पास लाइक पिच और गेज, वो भी मैं इसमें ही बता दूंगा आपको। ठीक है ना, वो भी मैं आपको इसी चीज में बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक प्लेट बनाता हूं। तो ये लो जी, ये मैं एक प्लेट बना रहा हूं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है ना, ये आपका कवर वाली साइड दिख रही होगी आपको। ठीक है ना, ये आपकी ओवरलैपिंग है और ये इसका सेंटर पार्ट है। ठीक, ये आपका इसका सेंटर लाइन हो गया, क्लियर। ये वाली जो प्लेट है आपकी आगे जा रही है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये वाली भी आपकी आगे जा रही है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, इधर फोर्स लग रहा होगा मेरे पास P और इधर फोर्स लग रहा होगा मेरे पास सेम P, क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे रिवेटिंग बोल्टिंग प्रोवाइड करवा रखी है, जो भी आप चाहो करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मेरे पास रिवेट ये रहा, दूसरा ये रहा, इसी तरीके से एक दो, और आप और चाहो तो और भी ले लो, कम करवा देते हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी तो फिर एकदम कचरा हो जाएगा अंदर, थोड़ा कम कम करवाते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मेरी मन की इच्छा है, जैसा भी करवाना चाहो करवा लो। ठीक है ना, एक बोल्ट आपका ये रहा, दूसरा ये रहा, इसी तरीके से एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इसमें क्या है, थोड़ा साफ साफ रहेगा तो आगे जो अपन ऐड करेंगे इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, इसी तरीके से ये लीजिए और इसी तरीके से ये लीजिए। इस तरीके से मैंने क्या करा रखी है, यहाँ पे बोल्टिंग या रिवेटी प्रोवाइड करवा रखी है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक एक चीज को अपन लेते हैं, उसको पहले समझेंगे, ठीक है, कि होती क्या है, उसके बाद जो इसके लिए गाइडलाइंस है अपने कोड की उनको समझेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहली जो बात है दैट इज पिच, पिच ऑफ बोल्ट या पिच ऑफ रिवेट जो भी। ठीक है, तो आप इस फिगर में समझो आपकी पिच क्या होती है। ठीक है, देखो सुनना, फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी, ये वाली, या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन भी यही है। दो कंटिन्यूअस रिवेट या कंजिक्यूटिव रिवेट्स के बीच की सेंट्रोइड डिस्टेंस क्या कहलाती है, आपकी पिच कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी दो रिवेट ले लो इस डायरेक्शन में, कंटिन्यूअस होने चाहिए, ये नहीं कि एक ये ले लिया एक वो ले लिया। ठीक है, दो कंटिन्यूअस रिवेट ले लो इस डायरेक्शन में, कोई भी ले लो, आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, मैं इन दो को ले रहा हूं, इन दो के बीच की जो सेंट्रोइड डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड पिच, दैट इज कॉल्ड पिच। ये हो गई मेरे पास पिच, क्लियर है, बात समझ में आई आपको। तो इसमें लिखिए आप पिच क्या होती है, इट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस रिवेट्स, बिटवीन टू कंटिन्यूअस रिवेट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपको साफ साफ यहां पे दिख रहा होगा, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। ठीक है, अब जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड है उन्होंने ये बता रखा है कि आप किसी भी कनेक्शन के लिए मिनिमम पिच इतनी लीजिए और मैक्सिमम पिच इतनी लीजिए। अब उसके कारण भी है कि भाई उन्होंने मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच को फिक्स क्यों करा, उसको भी समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप डालिए इसमें छोटा वाला पार्ट मिनिमम पिच, मिनिमम पिच। ठीक है ना, तो मिनिमम पिच के लिए जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि भाई किसी भी जॉइंट में जो आप मिनिमम पिच प्रोवाइड करवा रहे हो वो आपके जो भी रिवेट या बोल्ट है उसके डायामीटर के 2.5 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं मिनिमम पिच की बात करूं तो ये होती है आपकी 2.5 × d, ये होती है आपकी 2.5 × d। यहाँ पे जो आपके पास d है दैट इज डायामीटर ऑफ
बोल्ड या रिवेट, वॉट एवर, ठीक है ना, जो भी आपने लगा रखा है उसका क्या है, एक तरीके से डायमीटर है, ठीक है। अब बात यह आती है कि मिनिमम पिच प्रोवाइड करवाने की हमको जरूरत क्या पड़ी, हमको ऐसी क्या जरूरत है कि इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस में मेंटेन करूं। तो पहला इसका कारण तो क्या है कि दो बोल्ट या दो मेरे जो रिवेट हैं उनके बीच में बियरिंग फेलियर जो होगा उससे हमें ये बचा लेगा। कैसे, उसको समझो, या आप ऐसा मानो कि आपने बिल्कुल एक बोल्ट यहाँ पे, दूसरा बोल्ट यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पास पास बोल्ट मेरे पास प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है ना। तो अब होगा क्या कि अगर मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी भी बियरिंग हो गई प्लेट की, लाइक इतना यहाँ पे और इतना यहाँ पे, तो आपका जॉइंट क्या होगा, टूट जाएगा, आपका जॉइंट क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहती है और यहाँ पे थोड़ी बहुत बियरिंग हो जाती है, ठीक है, प्लेट की, तो आपके पास कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला तो मिनिमम पिच का फायदा क्या है कि ये आपके बियरिंग फेलियर जो कि दो बोल्ट या दो रिवेट के बीच में हो सकता है उससे हमें बचाता है, ठीक है ना। दूसरा फायदा क्या है, देखो जब आप क्या लगाते हो, बोल्ट लगाते हो, तो बोल्ट में वॉशर लगते हैं, ऊपर वॉशर लगते हैं ना, तो उसका जो डायमीटर होता है वॉशर का वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो अगर इनके बीच में लाइक आपके पास एक बोल्ट यहाँ लगा दिया, दूसरा बोल्ट यहाँ लगा दिया, अब वॉशर का जो डायमीटर है बोल्ट का, एक का इतना बड़ा है, दूसरे का इतना बड़ा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके वॉशर ओवरलैप हो जाएंगे और इनकी जो प्रॉपर इंस्टॉलिंग है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज से भी हमें क्या करता है, बचाता है। अगर मैं इनको प्रॉपर डिस्टेंस पे रखूंगा तो मेरे पास ओवरलैपिंग की समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मिनिमम पिच के दो फायदे मुझे मिल गए, या दो एक तरीके से रीजन मिल गए कि क्यों इसको प्रोवाइड करवाया, ठीक है ना। तो पहली बात तो आपको ये तो याद रखना ही है, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण है जो पूछा जाएगा आपके पास, जो इंपॉर्टेंट ये आपकी कोडल प्रोविजन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आप अगर SSC JEE या किसी भी AEE की तैयारी कर रहे हो ना, तो जो भी प्रोविजन है ना स्टील स्ट्रक्चर के, ठीक है, कि कोड हमें ये बताता है, कोड हमें वो बताता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव वहीं से उठाए थे, ठीक है ना। और स्टील में है क्या, एक तरीके से अगर SSC JEE या किसी का भी अपन सिलेबस डिस्कस करें, तो स्टील में एक तरीके से भाई ये माना जा रहा है कि 35-40% आपका प्लास्टिक एनालिसिस है, बाकी जो 60% बचा उसमें से भी 40-50% आपका कनेक्शन आता है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक एनालिसिस कोई भी AEE में नहीं आता, तो आधा स्टील तो वहाँ गया, ठीक है, बचे आधे स्टील में आपका आधा पार्ट कनेक्शन लेके बैठा है, ठीक है ना। तो मेजर जो पार्ट है वो कनेक्शन है, और कनेक्शन के जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टील में, ठीक है ना। तो इनको तो ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत आपको याद रखना है, और आप क्वेश्चन देख लेना उठा के किसी के भी एग्जाम के, आपसे ये मिनिमम पिच का क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि भाई कितनी होती है, क्लियर है ना। आप रीजन भी याद रखो, हो सकता है रीजन का भी क्वेश्चन आ जाए। तो मिनिमम पिच अपन क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, पहली बात तो टू एलिमिनेट या इस तरीके से लिखिए, टू प्रोटेक्ट द पार्ट ऑफ प्लेट बिटवीन टू बोल्ट फ्रॉम बियरिंग फेलियर। मतलब जो दो बोल्ट हैं या दो रिवेट हैं, दोनों के लिए सेम है, बोल्ट ले लो चाहे रिवेट ले लो, है ना, मैं कहीं बोल्ट लिख दूंगा कहीं रिवेट हो जाएगा, उसमें आप परेशान मत होना। बियरिंग फेलियर मतलब दो इनके बीच में या दो बोल्ट या दो रिवेट के बीच में ये जो पार्ट है ना, इसको क्या करता है, ये बियरिंग फेलियर से बताता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या करता है, इसको क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, कि इससे जो हमारी इंस्टॉलिंग है बोल्ट की वो क्या हो सकती है, आपकी प्रॉपर हो सकती है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड बेटर इंस्टॉलिंग इन रिवेट और बोल्ट, ठीक है ना। प्रोवाइड इंग्लिश में आप ज्यादा घुसना मत यहाँ पे कि इंग्लिश में कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके दो एक तरीके से ही रीजन है, कि पहला ये बियरिंग फेलियर से बचाएगा, दूसरा ये प्रॉपर इंस्टॉलिंग करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना, इसके बिना अपन नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गई मिनिमम पिच। अब अपन बात करते हैं मैक्सिमम पिच के बारे में, कि भाई मैक्सिमम पिच जो होती है दो कंटिन्यूअस बोल्ट के बीच में, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है और उसको क्यों प्रोवाइड करवाते हैं। पिच मैंने मिनिमम पढ़ ली, दूसरा इसमें डालिए आप लोग मैक्सिमम पिच, मैक्सिमम पिच। अब ये जो मेरे पास दो कंटिन्यूअस रिवेट हैं या जो बोल्ट हैं, इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो भी हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ठीक है। पहली बात तो ये कि मैक्सिमम पिच होती कितनी है, ठीक है ना। तो वो दो अलग अलग केस में ली जाती है आपकी, एक केस आपका कंप्रेशन का रखा जाता है, दूसरा केस आपका एक तरीके से किसका रखा जाता है, टेंशन का रखा जाता है। तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं।
अगर आपका कंप्रेशन केस है, अगर आपका कंप्रेशन का केस है, तो कंप्रेशन के केस में जो मैक्सिमम पिच होती है आपकी, वो होती है मिनिमम ऑफ 12T एंड 200 mm। इनमें से जो भी मिनिमम आएगा उसको क्या ले लोगे आप, मैक्सिमम पिच ले लोगे। और अगर मैं टेंशन की बात करूं, अगर आपकी प्लेट पे टेंशन आ रहा है, तो उस केस में जो आपकी मिनिमम पिच होगी, सॉरी मैक्सिमम पिच होगी, वो होगी आपकी मिनिमम ऑफ 16T एंड 200 mm। क्लियर है ना, ये बात समझ में आई? और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। अगर आपका टेंशन का केस है तो इन दोनों को कैलकुलेट करोगे आप, और जो इनमें से मिनिमम आएगा वो आपका मैक्सिमम पिच होगा, ठीक है ना। एक बात और, यहाँ पे जो अपन टी यूज ले रहे हैं, थिकनेस यूज ले रहे हैं, वो हमेशा थिनर प्लेट की ली जाएगी, तो इस बात को भी लिख लीजिए यहाँ पे, टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। क्लियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अब ये तो बात हो गई, अब बात ये आती है कि हम मैक्सिमम पिच प्रोवाइड क्यों करवाते हैं। बात क्या आती है कि हम मैक्सिमम पिच प्रोवाइड क्यों करवाते हैं। पहली बात तो कि भाई जो मेरे पास कनेक्शन की लेंथ है वो क्या होगी, मेरी रिड्यूस कर सकता हूँ। कनेक्शन की लेंथ मतलब आपके पास दो मेंबर हैं, इस तरीके से आप ऐसा मानो कि आपके पास ये दो मेंबर हैं जो मार्कर दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे दूर दूर रिवेट या बोल्ट प्रोवाइड करवाऊंगा तो मुझे लेंथ ज्यादा लेनी पड़ेगी कनेक्शन की, ठीक है ना, लेंथ ज्यादा लेनी पड़ेगी, दैट मीन्स मेरे को ओवरलैपिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, तो मेरे लिए वो अनइकोनॉमिकल सौदा है। अगर मैं इनके बीच में फिक्स गैप लेता हूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास जो कनेक्शन की लेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पिच का एक फायदा तो ये है, या इसको क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, कि मेरे पास जो लेंथ है कनेक्शन की वो मेरी सेट रहे, वो मेरी बहुत ज्यादा एक्सीड ना करे। दूसरा इसका कारण होता है कि जो आपके पास स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बोल्ट या रिवेट के बीच में, वो यूनिफॉर्म रहे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस प्रोवाइड करवा दी, लाइक एक बोल्ट मेरा ये रहा, दूसरा बोल्ट मेरा वो रहा, तो इनके बीच में जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। इसको मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा जब मैं लॉन्ग जॉइंट पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, अभी आगे आ जाएगा इसमें थोड़ा आगे लॉन्ग जॉइंट, तब मैं आपको स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा बोल्ट में रिवेट में कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसके दो फायदे लिख लीजिए आप, वो आपने लिख लिया होगा। पहला तो ये होता है, मैक्सिमम पिच क्यों प्रोवाइड करवाई जाती है, टू कंट्रोल लेंथ ऑफ कनेक्शन। जो मेरे पास कनेक्शन है उसकी लेंथ को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और दूसरा टू यूनिफॉर्म, एक तरीके से किसके लिए प्रोवाइड कर जाती है, कि भाई जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यूनिफॉर्म रखने के लिए, टू मेक स्ट्रेस यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन बोल्ट और रिवेट, वॉट एवर, ठीक है ना। तो ये दो बात हो गई, क्लियर है ना। तो ये हमारा पिच का पूरी की पूरी रामायण खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। पिच हमें पता लग चुकी है कि ये पिच होती है। अब आगे बढ़ते हैं अपन गेज की तरफ कि भाई गेज क्या होती है आपकी, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट लिखिए आप लोग, गेज, ठीक है ना। गेज क्या होती है, पिच तो होती है आपकी अगर फोर्स की डायरेक्शन में आप चलो, ठीक है ना, तो दो कंटिन्यूअस रिवेट या बोल्ट के बीच की डिस्टेंस को अपन पिच बोल देते थे। अगर मैं फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलूं, लाइक मैं इधर जाऊं, फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलूं, या आप बोल सकते हो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चलूं, तो मेरे पास जो दो कंटिन्यूअस रिवेट हैं या दो कंटिन्यूअस बोल्ट हैं, उनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगी उसे बोला जाएगा गेज। तो आप कोई भी ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है ना। मैं इनको ले लेता हूं, या आप बोलो तो इनको ले लेता हूं, ठीक है ना। तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज गेज। तो इसमें लिखिए, इट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस रिवेट या बोल्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन या ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ ग्लो। ये आपको पता लग गया गेज, क्लियर है। गेज के लिए कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसको पिच के साथ में कंसीडर कर देते हैं, आगे बता दूंगा, ठीक है ना। अब एक नोट डालें आप लोग। नोट क्या है
कि अगर मेरे पास जो गेज की वैल्यू है, अगर मैं स्टेगर्ड पैटर्न ले रहा हूँ और मेरे पास जो गेज की वैल्यू है वो 75 mm से कम हो जाती है, अगर मेरे पास जो गेज की वैल्यू है वो 75 mm से कम हो जाती है किसी केस में, तो उस केस में जो पिच की वैल्यू है, मैक्सिमम पिच की वैल्यू है, उसको मैं 50% बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। तो नोट डाल के लिखें, इफ इन स्टेगर्ड पैटर्न, या इस तरीके से लिख लीजिए, इफ मिनिमम गेज या ओनली गेज इट्स गेज डिस्टेंस इज लेस देन 75 mm इन अ पैटर्न, देन मैक्सिमम पिच इज इंक्रीज्ड बाय 50%, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मेंटेन रखने के लिए जो आपके पास मैक्सिमम पिच है उसको मैं 50% बढ़ा देता हूँ। कब? जब गेज की वैल्यू आपकी 75 mm से कम हो। तो पहले जो आपके पास पिच थी वो कितनी थी आपकी, 20 और 200 mm, किसके केस में, कंप्रेशन के केस में। नाउ अब मेरे पास जो पिच हो जाएगी, ठीक है, अब अगर मैं मैक्सिमम पिच की बात करूँ, अब क्या करता हूँ, मैं मैक्सिमम पिच की बात करता हूँ इस केस में, तो अगर मैं कंप्रेशन का केस लूँ तो पहले कंप्रेशन के केस में क्या था, 20 और 200 mm, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, 20 को अगर मैं 50% बढ़ाता हूँ तो वो तो हो जाएगा मेरे पास 18 T, और 200 को 50% बढ़ाता हूँ तो 300 mm, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं टेंशन की बात करूँ तो टेंशन के केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 16 T को बढ़ाऊंगा तो कितना, 24 T, और 200 mm को 50% बढ़ाऊंगा तो 300 mm, क्लियर है ना। ये आपके पास नई मैक्सिमम पिच आ जाएगी, किस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है ना। बनाओ अब नेक्स्ट जो है, अपन ने पिच पढ़ ली, गेज पढ़ ली, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एज और एंड डिस्टेंस, एज और एंड डिस्टेंस। तो आप लोग थर्ड पॉइंट डालिए इसमें, एज डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पे आपको ये प्लेट दिख रही होगी, इस प्लेट में आपका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, ये लो इधर, ठीक है। अब अगर मैं इस प्लेट के एंड की बात करूं, ठीक है ना, ये प्लेट एंड कहां पे हो रही है, तो आपका एंड जो है वो इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा साफ साफ आपको, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे इस प्लेट के एज की बात करूं, एज मीन्स किनारा, ठीक है, तो वो आपको ये रहा, क्लियर है। तो एज से जो मेरा नियरेस्ट बोल्ट है या रिवेट है उसकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं अपन, एज डिस्टेंस बोलते हैं। तो कोई भी ले लो, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये वाला जो बोल्ट है ये एज के सबसे पास में है, तो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ठीक है, इसे क्या बोल देंगे अपन, इसे बोल देंगे एज डिस्टेंस, इसे बोल देंगे एज डिस्टेंस, क्लियर है। इसी तरीके से जो मेरा एंड है प्लेट का, जो मेरा प्लेट का एंड है उसके जो सबसे पास में बोल्ट है या उसके सबसे पास में जो रिवेट है उसकी एंड से जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड एंड डिस्टेंस। ये वाली जो मेरे पास डिस्टेंस होगी, किसी को भी मान लो, ये वाली जो डिस्टेंस होगी मेरे पास, इसे बोलेंगे अपन एंड डिस्टेंस, इसे बोलेंगे अपन एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो एज और एंड डिस्टेंस आपको पता तो लगी गई, इनको लिखवाने का कोई सेंस नहीं है। एज और एंड डिस्टेंस जो है आपको समझ में तो आई गई, लिख लेना अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जो भी आप पसंद करो, हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो पहली बात तो ये कि एज और एंड डिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड क्यों करवाई जाती है, वो आपकी प्रोवाइड क्यों करवाई जाती है। तो जब मैंने आपको फेलियर पढ़ाया था जॉइंट का, तब भी बताया था कि जो आपका स्प्लिटिंग फेलियर होता है और बियरिंग फेलियर जो होता है प्लेट का, उन दोनों से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, सफिशियंट एज और एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे बहुत कम प्लेट का मटेरियल रहेगा या बहुत कम डिस्टेंस रहेगी तो जो आपका स्प्लिटिंग फेलियर है वो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है। इसी तरीके से आपकी अगर एंड एज डिस्टेंस जो है वो कम रहेगी तो आपका वहां पे क्रैक बन सकता है। तो एंड और एज डिस्टेंस जो है वो इसलिए प्रोवाइड की जाती है सफिशियंट कि आपका जो स्प्लिटिंग
शेयरिंग और बियरिंग फेलियर है प्लेट का, वो बचा रह सके। ठीक है, अब बात ये आती है कि इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप छोटी सी हेडिंग डालें, मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस। ठीक है ना, मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1.5 dH और 1.7 dH। 1.5 dH लेते हैं अपन मशीन कट के केस में, मशीन कट के केस में, और 1.7 लेते हैं अपन हैंड कट के केस में। अब ये हैंड कट और मशीन कट क्या है इसको भी समझ लो। जब आप प्लेट में जॉइंट प्रोवाइड करते हो तो वहां पे आपको बोल्ट या रिवेट को इंसर्ट करने के लिए होल करने पड़ते हैं। ठीक है ना, अब होल आप ऐसे तो है नहीं कि बाहर रखाओगे तो होल हो जाएगा, आपको क्या लगानी पड़ेगी, या तो मशीन से ड्रिल करना पड़ेगा या हैंड से ड्रिल करना पड़ेगा। अब मशीन से जो ड्रिल किया जाता है होल्स को, तो वहां पे जो आपके पास सरफेस है, होल की जो सरफेस है या आउटलाइन है, वो बहुत ज्यादा क्लियर होती है, वो आपकी बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, तो वहां पे आपके क्रैक्स जनरल प्रोवाइड होने के चांसेस नहीं होते और एफिशिएंसी उनकी अच्छी होती है। इसलिए यहाँ पे अपन कम एज और एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जबकि हैंड कट के केस में आपको पता है कि जो रेगुलरिटीज रहेंगी, इनरेगुलरिटीज रहेंगी, वो ज्यादा होंगी होल में, उसकी जो फिनिशिंग है वो भी स्मूथ नहीं रहेगी, तो वहां पे अपन थोड़ी सी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं और यहाँ पे जो एंड और एज डिस्टेंस है उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है ना, दूसरी बात आती है आपके पास मैक्सिमम एंड और एंड डिस्टेंस की, दूसरी आती है आपके पास मैक्सिमम एज एंड एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, तो मैक्सिमम एज और एंड डिस्टेंस जो होती हैं, दैट इज 12 TE। ठीक है, एप्साइलन टी आपको पता है क्या होता है, टी आपको पता है मिनिमम थिकनेस होती है दोनों प्लेट में से, और ई जो होता है आपके पास एप्साइलन, ये होता है आपका 250 बाय FY, जो भी आपका प्लेट है उसकी यील्ड स्ट्रेस कितनी है उसको अगर मैं 250 से डिवाइड करके अंडर रूट ले लूंगा तो मेरे पास एप्साइलन आ जाएगा, और उसको इधर रखूंगा 12 TE निकालूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगी मैक्सिमम एज और एंड डिस्टेंस। क्लियर है ना, तो ये बात हो गई, ये आपके पास IH स्पेसिफिकेशन हुए। क्लियर है ना, तो ये रामायण यहाँ पे खत्म होती है आपके पास, ये स्पेसिफिकेशन होते हैं, इनको सबको याद कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं, वो मैं शायद भूल गया आपको बताना कि जो पैटर्न अपन प्रोवाइड करते हैं रिवेटिंग या आपका जो बोल्टिंग है उसके केस में, ठीक है, वो आपके पास कितने तरह के होते हैं, तो छोटा सा है, कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है उसमें, फिर भी बता देता हूं। पैटर्न ऑफ बोल्टिंग या रिवेटिंग, जो आप बोल्टिंग कर रहे हो या रिवेटिंग कर रहे हो उसमें पैटर्न जो होते हैं, मतलब किस तरीके से अपन बोल्ट को या रिवेट को लगाएंगे, उसको बोला जाता है पैटर्न। ठीक है ना, तो पहला होता है आपके पास चैन पैटर्न। चैन पैटर्न में क्या होता है, लाइक इस तरीके से आपकी प्लेट है, ठीक है ना, क्लियर है, इसको मैंने इस प्लेट से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, तो आप क्या करोगे, एक चैन में आपके बोल्ट या रिवेट प्रोवाइड करवा दोगे, इस तरीके से जो आपका पैटर्न होता है दैट इज कॉल्ड चैन पैटर्न। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास डायमंड पैटर्न, दूसरा होता है आपके पास डायमंड पैटर्न। डायमंड पैटर्न में आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो बोल्टिंग रिवेटिंग की जाएगी वो एक तरीके से डायमंड की फॉर्म में की जाएगी। अब डायमंड की फॉर्म में कैसे करते हैं वो भी देख लो, ये आपके पास प्लेट है, मैं ओनली ओवरलैप्ड वाला पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये इसकी सेंटर लाइन, तो डायमंड जो आपके पास पैटर्न है वो इस तरीके का होता है, ये लीजिए यहाँ पे 1 2 3, इधर 1 2 और इधर 1, मतलब आपका जो आप दिख रहा होगा एक तरीके से क्या है, डायमंड दिख रहा है ना, तो इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं उन्हें बोलते हैं डायमंड पैटर्न। ठीक है, इसी तरीके से इधर ये लो और ये लो, ये हो गया आपका डायमंड पैटर्न। ठीक है ना, थर्ड जो पैटर्न यूज करते हैं अपन, दैट इज स्टेगर्ड पैटर्न। ठीक है ना, स्टेगर्ड पैटर्न में जो आपका, देखो यहाँ पे तो आपने एक सीरीज में प्रोवाइड किया, एक लाइन में प्रोवाइड करवाया, यहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर डायमंड शेप में करवाया, यहाँ पे जो स्टेगर्ड पैटर्न होता है उसमें कोई भी प्रॉपर इसका एक तरीके से प्लेसमेंट का तरीका नहीं होता, ऊबड़ खाबड़ तरीके से रखे हुए होते हैं। लाइक आपके पास ये अगर प्लेट है, लाइक आपके पास
ये प्लेट है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से लगे हुए होंगे, लाइक एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा इधर पड़ा है, चौथा इधर पड़ा है, ठीक है ना। इसी तरीके से इधर आपका एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा इधर पड़ा है, चौथा इधर पड़ा है। तो इस टाइप की जो एक तरीके से उबड़ काबड़ जो पैटर्न होता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड स्टगर्ड पैटर्न, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इनका कंपेरिजन किया जाएगा कि भाई कौन सा बेस्ट रहता है, ठीक है ना, कौन सा आपके पास किस केस में सुटेबल रहता है, तो ये आपको धीरे धीरे पता लगते जाएंगे, ठीक है ना। इसको अपन अभी डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा आपका, इनको अपन धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये पैटर्न मेरा बेस्ट है, ठीक है ना, क्लियर है। आपको मैं आगे बताऊंगा इन सारी चीज़ों को। तो ये अपनी छोटी सी वीडियो है, आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसमें बस इतना ही, ठीक है ना। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।